नहीं फैसला अच्छा, मैंने जैसे बोला कि ये थोड़ा लेट फैसला है। आप अगर अगर आप फुली फिट हो गए हो, आपकी रिकवरी हो गई है, आपके जो फिजियो हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्हें उन्होंने टिक मार कर दिया कि बॉस आप फिट हो, तो फिर घर पे क्यों बैठना है? आप मैचेस खेलो, क्योंकि जब जब आप कुछ नहीं होते हो तो आपकी स्टेट हेल्प करती है। आपको कोई नहीं जानता, अब आप स्टेट के लिए खेलते हो, रणजी खेलते हो। अब जब इंडिया प्लेयर बन जाते हो, नाम हो जाता है, आप हीरो बन जाते हो, फिर आप दोबारा सर्विस देते हैं अपनी स्टेट टीम को। तो बहुत सही फैसला है और थोड़ा लेट आया मेरे ख्याल से। और यू नो आईपीएल को प्रायोरिटी देते हैं, मैं समझ सकता हूँ, पर आईपीएल अभी तो मार्च में है, 22 तारीख को। अभी तो नो लोग दो दो महीने से घर बैठे हैं, मैचेस नहीं खेल रहे, तो उसका मतलब ये सही टाइम पे कॉल आई है कि रणजी खेलना चाहिए, अपने स्टेट को जाकर सर्विस दो। क्योंकि अब देखिए पुजारा लगे हुए हैं ना भाई, पुजारा भी लगे हुए, रहाणे खेल रहे हैं, ये सब बड़े प्लेयर हैं, ये सब लेजेंड ऑफ द गेम है। पुजारा तो 100 टेस्ट मैच खेल चुके, फिर रणजी जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं और स्कोर कर रहे हैं। तो मेरा तो पुजारा से बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं है। आप फिट हुए तो आप मैचेस खेलो, यही मेरी सलाह है सारे प्लेयर्स को। तवील अरसे के बाद, इंतजार के बाद उन्हें मौका मिला है, कैसे देखते हैं? मुझे, मैं फॉलो नहीं किया क्या स्कोर हो गया, मैं देखा नहीं है, पर चार विकेट गिरे। मेरे ख्याल से बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि अभी मुशीर उनके भाई भी अंडर-19 में खेल रहे थे। उनके फादर बड़े बड़े मेहनती इंसान है, काफी मेहनत करी सरफराज के साथ, और वेल डिजर्विंग भी है। सरफराज ने बहुत रन बनाए, देखिए औसत शायद 80-80 का औसत उनका फर्स्ट क्लास में, तो उनका तो उनको मौका मिला है सही टाइम पे। मैं वैसे बहुत बड़ा बिलीवर नहीं हूँ कि जल्दी मौका दे दो, मेरे ख्याल से रणजी 2-3-4-5 साल खेलना चाहिए। उनको टीम में लिया, पहले एक दो मैच दिखाया, स्क्वाड में रखा, अब उनको मौका मिला। तो आई वांट टू विश सरफराज ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि काफी मेहनत करके यहाँ उनको मौका मिला है भारतीय टीम में। सर, कप्तान रोहित शर्मा ने आज शतक जड़ा काफी जी समय बाद, तो काफी अच्छा रहा था, मगर रेड बॉल में थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मिल रहा था, मगर आज क्या कहेंगे उनकी कप्तानी? देखिए, मैं मेरा मानना है कि ये जो लोग जो आलोचना करते हैं रोहित शर्मा की, उनको मुंह की खानी पड़ती बार बार। ये हिंदी में एक कहावत है कि मुंह की खानी पड़ती, कि आपने बोला नो उनका लास्ट सीरीज है, रन नहीं बना रहे, हटाओ आगे। कितनी बार रोहित शर्मा करियर में देखा है कि जैसे ही आपने उनको बोला कि बस यार लास्ट सीरीज है, रन नहीं बना रहे, 100 मार देते हैं। तो मैं ये जो उनके आलोचक है, उनको बोलना चाहूंगा कि यार आप ना जबान थोड़ा संभाल के आप उनके सामने क्वेश्चन करो। हाँ, क्वेश्चन करना चाहिए, पर मेरे ख्याल से रोहित शर्मा ने बहुत बार ये इम्तिहान पास किया अपने करियर में शुरू से ही, तो वो अब यूज्ड टू हो गए। उनको पता है मेरा काम खेलना है, लोग बोलेंगे तो मैं फोकस करता हूँ अपने खेल पे, और हमेशा करते हैं उनके। जब वो आई थिंक जब ओपन कर रहे थे इंग्लैंड में, वो उनको लोगों ने बोला इनका पैर नहीं चलता, इंग्लैंड गए नो चांस, किसी ने रोहित शर्मा को मौका नहीं दिया कि ये स्कोर करेंगे। लॉर्ड्स में 87 मारा, ओवल में 100 मारे, तो वो हर कंडीशन में खेलना जानते हैं, स्पिन के खिलाफ या इंडिया में स्कोर कर रहा है, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 100 किया था। तो मेरे ख्याल से जब 3-4-5 इनिंग खराब होती तो थोड़ा सा हमारा फर्ज बनता है कि एज अ मीडिया, एज अ यूट्यूबर, जो भी हम वहाँ बातें करते हैं, कि थोड़ा सब्र और रखें रोहित शर्मा के साथ, कि जल्दी फैसले पे ना आए। वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, 44 उनका औसत है बतौर ओपनर। तो मेरे ख्याल से अभी देखिए कोई प्लेयर नहीं है, ना विराट है, ना केएल राहुल है, शमी नहीं है, युवाओं के साथ वो खेल रहे हैं, अकेले मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर थे, और सही टाइम पर उनका जो फॉर्म आया, शतक मारा है, तो एक जवाब भी दिया है अपने जो आलोचकों को। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, इजी हियर टू स्टे, बिकॉज अभी सीनियर खिलाड़ियों की जब वापसी होगी तो मौके थोड़े से लिमिटेड है कंपेयर टू अभी जो गिवन सिनेरियो है, एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज। सर, देखिए सरफराज खान का रोल मॉडल इस टाइम पे जायसवाल है, वो भी नए आए थे ना, जब नए को मौका मिलता है वो पीछे नहीं देखता कि कौन आएगा उसकी जगह कौन लेगा, वो सब देखने वाली उनको नहीं सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से सरफराज ने बहुत स्कोर किया है, उनको मौका मिला है, और यशवी शशि जायसवाल ने करके दिखाया कि बॉस मौका मिला 200 मारो, सीधा 150 मारो, 100 मारो, क्या कोई ड्रॉप न कर पाए। तो सरफराज को यही सोचना चाहिए कि भाई मौका मिला है, मौका को गुनाए। और देखिए डेब्यू जब बंदा करता है तो उतनी उम्मीदें होती नहीं उससे, अगर वो आउट भी हो गया तो मौका उसको और मिलने वाला है, तो एक तो प्लस पॉइंट यहाँ होता है। पर उनके सामने जो एग्जाम्पल है वो जायसवाल का है, कि मिले मौका बनाओ 200 रन, और सारी जो लोग बोल रहे हैं कि जगह पक्की होगी नहीं होगी, वो तो बात की बात है, पर आप स्कोर करो।